आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आज का जो चैप्टर होगा ये होगा विराम चिन्ह। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी यूपी ट्रिपल एससी के आगामी परीक्षाओं के लिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसके पहले वाली वीडियो को देखना, इसका टेस्ट देना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन चार विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 5 सेकंड में। क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 शिफ्ट सेकंड में, बताना है कि सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला है कि वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो गलत तो लग रहा है, लेकिन हमें और भी सेंटेंसों को चेक करना जरूरी है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में इस समय क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता था कि सही है बताइए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं वाला शब्द जोड़ करके आप क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की जाती है। सुनो सुनो वह गा रही है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा पहला, क्योंकि इसमें बताना था कि वाक्य सही नहीं है उसको बताइए। देखिए इस वीडियो को देखने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यूपी ट्रिपल एससी का आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे जो भी, चाहे वो इंटर लेवल पे हो, लेखपाल हो, मंडी परिषद हो, मतलब ग्रेजुएट लेवल पर भी हो, ये वीडियो आपके आपको उन सभी परीक्षाओं के लिए फ़ायदा पहुँचाएगी। अगला है कि जो चाहे करो, यहाँ पे डैश 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 है, बस हमें तंग ना करो, इस वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा ये बताइए। जो चाहे करो, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा अर्धविराम। अर्धविराम मतलब होता क्या है, तो अर्धविराम कुछ इस तरह का बनता है, तो ये होगा अर्धविराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होगा 1/10/2019 पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस तरह के शब्दों में सबको पता है कि ये वाला डैश जो है प्रयोग में लाया जाता है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, तेज खेलता है विराट, विराट है तेज खेलता है तेज विराट। आसान क्वेश्चन है, भले ही केन सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, केन सुपरवाइजर 31/8/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है, जैसे दिन और रात, ये दो विपरीत वाले चिन्ह है, तो अगर विपरीत वाले होंगे जैसे कि धनी दिन और रात, लाल और पीला, इस तरह, तो यहाँ पे जो लगता है ये होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब कि इस तरह आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि समासिक पदों पुनरुक्त युग्म संबंधों के मध्य प्रयोग किया जाता है किसको, लोअर सेकंड 28/7/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे अगर सामाजिक सामासिक कोई पद होगा या फिर युग्म होगा, तो अभी हम युग्म के बारे में ही देख रहे थे इसमें, तो युग्म वाले में भी प्रयोग में लाया जाता है क्या चीज, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है जैसे कि लाभ हानि, चांद सात चेहरा, धन दौलत, तो यहाँ पे धन हो गया, यहाँ पे दौलत हो गया, तो इस तरह इसी चिन्ह के बारे में बात की गई है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसी की बात कही गई हो और उसको स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है विवरण। विवरण का प्रयोग करते हैं जैसे कि इस तरह। अगला है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 ये एग्जाम डेट है, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था।
किसी अक्षर या फिर शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं इकहरा उदाहरण, मतलब कि जहाँ किसी पुस्तक में कोई भी वाक्य या फिर कोई भी ज्यों का त्यों दिया गया हो वहाँ दोहरे उद्धरण के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे इकहरा उदाहरण का प्रयोग करते हुए बल देते हैं। अगला है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा यही आपको बताना है, तुरंत कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बस सबका उत्तर आ चुका है, ये होगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 19/2/2019 में पूछा गया था। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या फिर त्रुटि है? उसने कहा, यानी कि यहाँ पे विराम लगना जरूरी था, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो किसी भी व्यक्ति की उक्ति या फिर कथन को शुरू करने से पहले विराम लगाते हैं, फिर डबल हाइफन में इसको शुरू करते हैं। कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे बाहर जाना है, इसमें रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, मतलब इसको पहचानना है कि ये क्या है। मुझे बाहर जाना है, इसमें जो ये चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बेहद आसान है, और इसका एक कारण ये भी है कि जो ये अल्प विराम वाला चैप्टर है ये थोड़ा आसान है, और इसके अभी तक केवल 25 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक UP SSC के एग्जाम में। तो ये है, आपको बताना है कि मुझे बाहर जाना में ये क्या है, तो ये है पूर्ण विराम। अगला है कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे हम कहते हैं अधो रेखा चिन्ह, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, अधो रेखा चिन्ह कहा गया था। अगला है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? द्विरुक्ति होती है तो वहां पे कौन सा चिन्ह लगता है उनके बीच में? जैसे माता पिता, तो वहां पे लगता है हमेशा और हमेशा योजक। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक, निर्देशक अगर आप इसमें देखेंगे तो निर्देशक या फिर योजक इसको कहते हैं। देखिए, अगर हम आपको पूरा एक लिस्ट बता दें तो यह है पूर्ण विराम, मतलब कि इस तरह, अल्प विराम इस तरह, फिर अर्ध विराम किसको कहते हैं तो इस तरह, योजक चिन्ह किसको कहते हैं तो इस तरह, फिर से प्रश्न चिन्ह तो इस तरह, उसके बाद लाघव चिन्ह 0 से, निर्देशक चिन्ह इस तरह, कोष्टक कई होते हैं तो जो भी कोष्टक प्रयोग में लाया जाए, इसके अलावा विस्मय अधिबोधक चिन्ह तो इस तरह। तो ये आपको सब जानना चाहिए। अगला है कि अल्प विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? अभी हमने बताया है कि अल्प विराम इनमें से कौन सा है, तो अल्प विराम है बी वाला। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आपको बता दें कि हिंदी रीजनिंग और इसके अलावा GK, UP SSC के जितने भी पूछे गए हैं वो सारे कवर किए जा रहे हैं, ढेर सारे कवर कर दिए गए हैं। अगर आप ऐप पर जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो वहां जाकर आप उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वैसे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख पाएंगे, लेकिन ऐप पे जाने से फायदा ये होगा कि आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम यही है, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है तो यही पूर्ण विराम है। क्षेत्रीय युवा कल्याण 16/9/2018 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर अगर हम इसको रेखांकित कर दें तो रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये जो चिन्ह है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो इसे कहते हैं लोप सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह।
क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? मतलब अगर दोनों समानार्थी हों, जैसे कि जय पराजय, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, तो यहाँ पर भी योजक का ही प्रयोग होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक तो विराम चिन्ह में ही आता है, इसके अलावा लाघव भी आता है जिसमें हम पॉइंट लगाते हैं या फिर जीरो लगाते हैं, लेकिन उपदेशक विराम चिन्ह में नहीं आता है। ये अमीन परीक्षा 14/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोष्टक किस विराम चिन्ह का द्योतक है? अगर इस तरह दिया रहे तो हमने बता ही दिया, ये किसका है ये आपको बताना है। तो ये होता है कोष्टक, राजस्व निरीक्षक परीक्षा 17/7/2016 में पूछा गया था। यहाँ पे बताना है जो ये है कि इसमें विराम चिन्ह का नाम बताइए। इस तरह, अब बताइए, इसको कहते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? वाक्य पढ़िए और यहाँ पे आपको बताना है कि किसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने में मेरी इच्छा नहीं। ये तो सही है, उचित प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इसी वाले में, सी वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है यहाँ पे इस तरह लगना चाहिए था। तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि विराम चिन्ह उपयुक्त होता है, मतलब ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, ये चैप्टर काफी छोटा था। यह है तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक लोअर वन भर्ती परीक्षा 28/2/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।